आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ये हजारों अफराद का हुजूम और आजादी का जुनून खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर का है। पाकिस्तानी फौज और रियासती जुल्म और जबर से आजिज इनकलाबी मार्च और रैली पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट यानी पीटीएम के बैनर तले किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में कबाइली इलाकों के पख्तूनों ने हजारों की तादाद में हिस्सा लेकर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट की एहतजाजी रैली में पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की पुश्त पनाही में तालिबान दहशतगर्दों और जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बरपा हुए फौजी जुल्म जबर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जैसे कई मुतालबात किए गए। तहफ्फुज मूवमेंट लीडर मंजूर पश्तून डिमांडेड दैट तहरीक तालिबान स्पोक्स पर्सन एहसानुल्लाह एहसान शुड बी ब्रॉट टू द जस्टिस बिकॉज ही इज द किलर ऑफ पश्तून एंड द सेकंड डिमांड इज टू अरेस्ट एंड ब्रिंग बैक जनरल मुशर्रफ बिकॉज ड्यूरिंग हिज एरा this war against terror was implemented in Pashtun so they demanded and they increased in their demands to bring Parvez Musharraf back to the country to face the court trial। लॉन्ग मार्च 2 पेशावर नाम से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तानी फौज की जानिब से जबरन अगवा शुदा लापता कबायली पश्तूनों के अहले खाना अपने प्यारों की तस्वीरों के साथ बड़ी तादाद में शामिल हुए। लापता पश्तूनों और कबायली रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से अमरीकी दबाव में जब जब कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशंस के दिखावे किए गए तब तब हर फौजी ऑपरेशंस की आड़ में दहशतगर्दी की मुखालफत करने वाले पख्तून कबायलों की रिहायशी बस्तियां ही बमबारी में तबाह बर्बाद की गईं और खंडरों में तब्दील पख्तूनों की रिहायशी बस्तियों को दहशतगर्दों की आमाजगाहें बताया गया। यही वजह रही कि कबायली इलाकों से लाखों पख्तूनों को अपने आबाई इलाकों से नकल मकानी करके पनाह गुजीन बनने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन पाकिस्तानी फौज और हुकूमत ने उनकी वाजियाबी के लिए कुछ भी नहीं किया। Since the long war against terrorism has been fought in this particular area in the Pashtun belt, so due to that reason, thousands of people are missing from their homes. So the Pashtun Tahfuz movement want to bring those people to justice or release them if they are innocent. Release them. The second demand of the Pashtun Tahfuz movement. To clear the Fata area from landmines. The third demand is those young people, young Pashtun, they have been killed in extrajudicial killing in different part of Pakistan and Fata area. पाकिस्तानी फौज और हुकूमत की बेहिसी का ही नतीजा है कि अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में कई पनाह गुजीन कैंप चलाए जा रहे हैं और अफगान पनाह गुजीन कैंपों में आज भी पाकिस्तान के कबाइली इलाकों के हजारों लाखों पश्तून पनाह गुजीन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। नतीजतन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में गुज़िश्ता कई बरसों से कसम पुरसी की हालत में गुजर बसर करने वाले पख्तून कबाइलों ने अपने हुकूक हासिल करने के लिए पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार कर लिया है।